अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल यूपी के बांदा में बौद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के कारण हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे लोग देश के दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि यहाँ कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा लगाते हैं, तो फिर जब हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू सभा ने ही की थी, उस समय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर थे, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा ने करवाया था। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो कई बार हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी भी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही सपा नेता ने हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिंदू फारसी शब्द है जिसका अर्थ नीच और चोर होता है। जिसका हम हिंदू धर्म मानते हैं वो कोई धर्म ही नहीं है। अगर सच में हिंदू कोई धर्म होता तो सबका बराबरी का हक होता। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी, और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू महासभा को लेकर बड़ा बयान दिया है।